अमित शाह के साथ अजित पवार की बैठक, पालक मंत्री और मंत्रालय पर होगी चर्चा। दिल्ली के राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यालय में स्वागत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता के बाद अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अजित पवार गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में थे। अजित पवार ने कहा कि आज रात 9 बजे अमित शाह के साथ बैठक होगी। उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी को कितने मंत्रालय मिलेंगे, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही गार्जियन मिनिस्टर कितने होंगे, इस पर भी बातचीत होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तासीन गठबंधन महायुति को भारी बहुमत मिला है। इसमें बीजेपी ने अकेले 132 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। एकनाथ शिंदे साफ कर चुके हैं कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। बुधवार को उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके मन में सीएम पद की लालसा नहीं है। जानकारी दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट जीतकर राज्य विधानसभा चुनावों में जोरदार वापसी की है। लोकसभा चुनाव में मिली हार से उभरते हुए भाजपा ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की, जो महायुति के सभी घटक दलों में सर्वाधिक है। शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रंकांपा ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। शिवसेना ने 57 और रंकांपा ने 41 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र सरकार के मंत्री और एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम और बड़े उद्योगपतियों को शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा। हरियाणा छतरपुर के अरे मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो। स्वागत करें हमारे यहाँ तमाम उपस्थित हो सीनियर्स का, स्वागत करो जोरदार तालियों से स्वागत।